बिलासपुर के बरमाणा में स्थित एसीसी अडानी डीएवी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चल रहे 3 दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के दूसरे दिन हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के हेड कोच तथा बीसीसीआई लेवल 3 कोच अनुज पाल दास ने स्रोत व्यक्ति के रूप में शिरकत की तथा सुबह के सत्र की शुरुआत की। इस अवसर पर बाहरी राज्यों से आए शारीरिक शिक्षा शिक्षकों से रूबरू होते हुए अनुज पाल दास ने कहा कि स्वस्थ होना और फिजिकल फिट होना दो अलग अलग बातें हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति फिट नहीं हो सकता और जरूरी नहीं है कि फिट व्यक्ति स्वस्थ ही हो। उन्होंने बारीकी से इस पर प्रकाश डाला। अनुज पाल दास ने कहा कि शिक्षकों या कोच को चाहिए कि वे बच्चों की क्षमता को पहचाने तथा उस पर काम करें। बच्चों को सिखाने में अपनी मर्जी को कभी न थोपें, इससे बच्चों का खेल के प्रति रुझान भी कम होगा और भविष्य में वे कभी मैदान की तरफ रुख भी नहीं करेंगे। फिटनेस के तहत हेल्दी फूड्स, न्यूट्रिशियन वैल्यू और सकारात्मक सोच के साथ आराम का मिश्रण कारगर साबित होता है। इसके अलावा उन्होंने जीवन में आने वाली चुनौतियों, सफलता के जश्न को मनाना, समाज का योगदान, संतुलन आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बाहरी राज्यों से आए शिक्षकों से सीधा संवाद किया और उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया। इससे पूर्व एसीसी अडानी डीएवी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल सुनील गांगटा ने अनुज पाल दास का स्वागत किया तथा उन्हें सम्मानित किया। वर्कशॉप के दूसरे दिन राजकीय महाविद्यालय ऊना से एसोसिएट प्रो डा राजकुमार, एनटीपीसी कोल डैम परियोजना के धनवंतरी अस्पताल से एमडी डॉक्टर राजेश बिश्नोई ने अपने विचार और अनुभव डेलीगेटस के साथ साझा किए। बट स्पोर्ट्स इज अ क्रीम फॉर फिट। जो स्पोर्ट्स है ये बहुत कम लोगों के लिए बना है, लाखों में एक बनता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है,